Hello everyone, welcome back to the channel Last Minute Revision with RSM, and here I'm back with another video. So today's video is about the chapter of buyback of equity shares, and we are going to revise the basics of buyback, the questions expected. तो सारी चीज़ें इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ, तो लास्ट तक ये वीडियो को देखें, और अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें. बेसिकली बायबैक अगर हम बात करें तो बायबैक में दो लेवल्स के क्वेश्चंस है जो आपके पेपर में यूजुअली पूछे जाते हैं, और एक आपका लेवल है ऑफर प्राइस गिवन, दूसरा है ऑफर प्राइस नॉट गिवन. तो अगर हम दोनों की बात करें तो दोनों में सिमिलैरिटी है ओनली एक बेसिक वर्किंग नोट जो आपका होगा, जिसमें ऑफर प्राइस नॉट गिवन होगा उसमें आपको ऑफर प्राइस कैलकुलेट करना पड़ेगा, और जिसमें अगर ऑफर प्राइस दिया होगा उसमें आपको ऑफर प्राइस कैलकुलेशंस का जो कैलकुलेटिव फैक्टर है वो करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. बेसिकली बायबैक अगर बात करें तो बायबैक में बेसिक पॉइंट ये है कि आपको ध्यान देना है आपके वर्किंग नोट्स के ऊपर. एक चीज़ ध्यान में रखनी है और वो है पार्टली पेड अप शेयर्स कभी बायबैक नहीं हो सकते. तो पार्टली पेड अप शेयर्स कभी भी बायबैक नहीं हो पाएंगे. अगर पार्टली पेड अप शेयर्स आपके क्वेश्चन में रहेंगे तो आपको ये ध्यान रखना है कि उसको आपको कन्वर्ट करना है फुल्ली पेड अप शेयर्स में. जैसे कि अगर आपके क्वेश्चन में रहा 10 रुपीज़ 8 पेड अप, तो आपको क्या करना है 8 रुपीज़ को 10 रुपीज़ करना पड़ेगा. उसके लिए आपको दो एक्स्ट्रा एंट्रीज करनी पड़ेगी, एंड दैट इज कॉल्ड एज पार्टली पेड अप के फाइनल कॉल ड्यू, फाइनल कॉल रिसीव्ड की. तो उसके ऊपर भी हम बात करेंगे. बेसिकली अगर हम बायबैक की बात करें तो बायबैक में आपको दो क्वेश्चंस पूछने के चांसेस है. अगर हम सेम चैप्टर के ऑप्शन में सेम चैप्टर देखें, या तो फिर मिनिमम एक क्वेश्चन पूछने के चांसेस तो बढ़ जाएंगे. तो अगर हम बायबैक ऑफ इक्विटी शेयर्स की बात करें तो उसमें आपको पेपर में क्या पूछा जाएगा, पेपर में आपको बायबैक का कैलकुलेशंस पूछा जाएगा, जनरल एंट्रीज पूछी जाएगी, एंड दे कैन ऑल्सो आस्क यू बैलेंस शीट और एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट. अभी ये एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट क्या है, तो एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट का मतलब होता है आपको सिर्फ तीन चीज़ों के ऊपर फोकस करना है. वो है नंबर वन इज़ द शेयर कैपिटल, नंबर सेकेंड इज़ द रिजर्व्स एंड सरप्लस, एंड नंबर थर्ड इज़ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स का वर्किंग नोट. तो अगर हम तीन चीज़ों के ऊपर फोकस करेंगे तो वो बन जाएगा एक्सट्रैक्ट, और कंप्लीट बैलेंस शीट पूछा तो बाकी सारे पॉइंट्स आपको सेम टू सेम कॉपी करने हैं. तो अभी हम स्टार्ट करते हैं कुछ बेसिक चीज़ें जो आपको बायबैक में ध्यान रखनी है. नंबर वन, अगर हम ड्यू की बात करें तो जनरल एंट्री नंबर वन आपका होगा ड्यू. मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट प्रीमियम ऑन बायबैक ऑफ इक्विटी शेयर्स अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट. ये आपका फर्स्ट एंट्री रहेगा, फिक्स होगा. सेकेंड है एडजस्टमेंट ऑफ द प्रीमियम या एडजस्टिंग प्रीमियम एंट्री होगा सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन बायबैक ऑफ इक्विटी शेयर. जनरल रिजर्व ले सकते हैं या प्रॉफिट एंड लॉस आप ले सकते हैं, कोई भी रिजर्व आप यूज कर सकते हैं. द थर्ड एंट्री जो आपका वो होगा सीआरआर क्रिएट करने का, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू सीआरआर. जनरल रिजर्व अगर सफिशिएंट नहीं रहा तो आप कोई भी दूसरा रिजर्व ले सकते हैं, जैसे प्रॉफिट एंड लॉस भी ले सकते हो, या और कोई रिजर्व अवेलेबल रहेगा तो वो भी फ्री रिजर्व्स आप ले सकते हैं. तो जनरल रिजर्व टू सीआरआर एक बेसिक एंट्री है. तो तीसरा स्टेप आपका होगा दैट इज सीआरआर का, दैट इज जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट. ध्यान से इसका फुल फॉर्म याद रखें, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट. ये था अपना थर्ड स्टेप. अभी हम बात करेंगे हमारे फोर्थ स्टेप के बारे में. द फोर्थ स्टेप इज सेटलमेंट करना. तो जो भी हम सेटलमेंट करने वाले हैं उसके लिए सिंपल एंट्री है इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट. तो ये चार एंट्रीज आपको हर कैलकुलेशन में करने, हर क्वेश्चन में करने. अभी कुछ ऐसे एडजस्टमेंट्स आपके बेसिस पे आते हैं जैसे इन्वेस्टमेंट सोल्ड. तो अगर इन्वेस्टमेंट सोल्ड रहा तो आपको पहला एंट्री करना है इन्वेस्टमेंट सोल्ड का. फिर अगर आपके क्वेश्चन में पार्टली पेड अप शेयर रहा तो और दो एंट्री एक्स्ट्रा करना है, इसीलिए यहाँ पे मैंने लिखा है थ्री एंट्रीज एक्स्ट्रा. तो थ्री एंट्रीज एक्स्ट्रा आ सकती है. और कभी कभी अगर फ्रेश इशू आया, जैसे आपने अगर इक्विटी शेयर्स इशू किए हैं, प्रेफरेंस शेयर इशू किए हैं, तो आप उसका भी एक एक्स्ट्रा एंट्री पकड़ के चले. तो टोटल अगर हम 4 + 3 = 3 तो 7 और एक 8 एंट्रीज मैक्सिमम होंगे. 8 एंट्रीज से ज़्यादा एंट्रीज इस चैप्टर में नहीं होंगे. फ्रेश इशू अगर देखें तो बैंक टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम, तो ऐसे बेस पे भी एंट्रीज आ सकती है. अब सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट अगर है जहाँ पे आप सिली मिस्टेक्स को कमिट करोगे, वो है फ्री रिजर्व्स के बारे में.
बिकॉज पेपर में क्या होता है, रिजर्व्स में आपको बहुत सारे रिजर्व्स दिए रहते हैं, और वो अगर आप सारे के सारे रिजर्व्स उठा के अगर आप सोर्सेस वाले वर्किंग नोट में लिखोगे तो आप रॉन्ग हो जाओगे। तो आपको याद रखना है सिक्योरिटीज प्रीमियम, जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, डिविडेंड इक्विलाइजेशन रिजर्व, ये ऐसे रिजर्व्स है जो फ्री रिजर्व्स है। तो एक फ्री रिजर्व्स के ऊपर मैंने टेलीग्राम चैनल पे ऑलरेडी बायबैक के ऊपर एक पीडीएफ मैंने शेयर किया है, वो अगर आपने नहीं देखा तो आप टेलीग्राम से वो बायबैक का पीडीएफ देखें, और उससे रिलेटेड मैंने ऑडियो भी दिया है, तो उसमें मैंने आपको फ्री रिजर्व्स का लिस्ट भी दिया है। तो ऐसे कुछ रिजर्व्स होते हैं जो फ्रीली बायबैक के लिए अवेलेबल नहीं होते हैं, जैसे CRR कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, वो बायबैक के लिए अवेलेबल नहीं होता है, ओल्ड वाला। फिर कैपिटल रिजर्व जो बायबैक के लिए अवेलेबल नहीं होता है, फिर रिवैल्यूएशन रिजर्व जो बायबैक के लिए अवेलेबल नहीं होता है। तो ऐसे रिजर्व्स अगर आपके क्वेश्चन पेपर में आपको दिए गए तो वो रिजर्व्स आपको कंसिडर नहीं करने हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। सो ये बेसिक चीज़ों के ऊपर आप अगर ध्यान रखोगे तो आपको सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम फेस नहीं होगा। तो बैलेंस शीट में आपको बैलेंस शीट बनाते वक्त वर्किंग नोट्स और उसके जर्नल एंट्रीज, मतलब ये तीन चीज़ों के ऊपर क्वेश्चन एक्सपेक्टेड होगा। सिंस क्वेश्चन पेपर में अभी 20 मार्क्स का क्वेश्चन आपको पूछने के चांसेस बढ़ जाते हैं, तो बायबैक में आपको जर्नल एंट्रीज पूछा जाएगा, वर्किंग नोट्स पूछा जाएगा, और वर्किंग नोट्स को भी मार्क्स दिए जाएंगे। तो वर्किंग नोट्स प्रॉपर प्रेजेंट करें, सो दैट आपको जो वर्किंग नोट्स है, मतलब कैलकुलेशन ऑफ बायबैक, जो कैलकुलेशन ऑफ बायबैक की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, तो कैलकुलेशन ऑफ बायबैक जो है जिसमें हम बायबैक ढूंढते हैं सोर्सेस करके, ओन फंड्स 25%, वो सारी चीज़ों के ऊपर आपको ध्यान रखना है। वर्किंग नोट्स के लिए भी मार्क्स दिए गए हैं, और उसके साथ आपको जर्नल एंट्रीज की अगर हम बात करें तो पर एंट्रीज कम से कम एक मार्क तो रहेगा, और ज़्यादा से ज़्यादा उसको दो मार्क्स भी पेपर में आ सकता है। सो टू मार्क्स के लिए अगर हम 6 entries भी आए तो 6 entries multiplied by 2 अगर करें तो 12 मार्क्स के लिए तो ये हो जाएगा, और बाकी के मार्क्स आपके कुछ वर्किंग नोट्स के लिए, कुछ आपके बैलेंस शीट के लिए, इस बेस पे आपका 20 मार्क्स डिवाइड हो सकता है। तो ये चैप्टर ध्यान से पढ़े, इस चैप्टर के जो बेसिक्स है उसके ऊपर फोकस करें, इस चैप्टर के जो लेवल्स है उसके ऊपर फोकस करें। अगर हम लेवल्स की बात करें तो एक पार्टली पेड अप वाला है, एक फुल्ली पेड अप वाला है, एक ऑफर प्राइस गिवन, एक ऑफर प्राइस नॉट गिवन, उस बेस पे रिवाइज करते रहे। अगला वीडियो फाइनल अकाउंट्स के ऊपर आपको मिल जाएगा, बिकॉज काफ़ी सारे स्टूडेंट्स मुझे कमेंट कर रहे थे कि सर फाइनल अकाउंट्स पे बनाए, तो नेक्स्ट वीडियो आपको फाइनल अकाउंट्स के ऊपर किन चीज़ों पे फोकस करना है उसके ऊपर भी मिल जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, बिकॉज मैं ऐसे वीडियोस लाते रहता हूँ जो आपके लास्ट मोमेंट में सिली मिस्टेक्स को अवॉइड कर सके। थैंक यू वेरी मच, एज ऑलवेज वर्क हार्डर बी स्मार्टर।